छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। अब बेगम चाय लाऊंगा आपके लिए। ओहो, चाय के अलावा कभी कुछ और भी पिला दिया करें। पी तो रही है आप मेरा खून। हैं? क्या कहा? कुछ नहीं बेगम, मैं ये सोच रहा था कि आप पता नहीं आजकल किस सोबत में बैठ रही हैं। बेगम एक जरूरी बात करनी थी आपसे। पैसे मांगने के अलावा और जो मर्जी बात कर लें मुझसे। नहीं पैसे की कोई बात नहीं है। वो मेरी अम्मा आ रही है ना। क्या अम्मा आ रही है? अरे इतने सालों के बाद आपकी अम्मा को कैसे आपकी याद आ गई? अब देखिए ये तंजबाजी का वक्त नहीं है बेगम। तो फिर मुझे क्यों बता रहे हैं? देखें बेगम, तो अम्मा को जानती है ना, बस उनके सामने मशरकी बेगम बन के रहना पड़ेगा आपको। क्या कहा? देखें बेगम, इनकार मत कीजिएगा प्लीज। कितनी देर के लिए आ रही हैं आपकी अम्मा? यही कोई दो चार। चलिए दो चार घंटे की कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं। नहीं, दो चार घंटे नहीं बेगम, दो चार दिन। क्या? दो चार दिन? देखे बेगम, मैं आपका गुलाम था, गुलाम हूँ और गुलाम रहूँगा इंशाल्लाह। बस ये दो चार दिन बेगम। दो चार दिन में वापस तो चली जाएंगी ना वो? हाँ, अम्मा है मेरी, कोई अमरीका थोड़ा ही है कि जहाँ जाए वहाँ से फिर जाने का नाम ही ना लें। चले ठीक है, आप क्या याद करेंगे? तुम मान गई ना? अच्छा जाइए, मेरे लिए अच्छा सा मिल्क शेक बना के लाएं और चीनी कम रखिएगा। पिछली दफा ना झोंक दी थी आपने उसमें। ऐसा मिल्क शेक लाऊंगा, चीनी भी कम रखूंगा और बावले हो गए अम्मा के नाम पे। अम्मा आ रही है। अम्मा आ जाए। हाथ तो पकड़ ले। अरे अम्मा आ जाए। घूमना पड़ रहा है यहाँ से। आए हाय, कितना घूम के आना पड़ रहा है। आ जाए माँ। अब हम यहाँ सोफे पे बैठ जाए। अरे सोफे पे ही बैठूंगी, अब जमीन पे तो बैठने से रही। हाँ जी। तुम्हारी बेगम नजर नहीं आ रही है? अंदर है। बुलाता बेगम, बेगम। अरे क्या है? अम्मा जी, ससुर जी का रोब बहुत है। अरे वो तो मुझे अंदाजा हो गया। तानी बेगम आ जाइए, अम्मा आइए ना। अरे हाँ हाँ, आ रही हूँ आ रही हूँ। सलाम अलैकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। अरे खुश रहो, तमीज और तहजीब से जुड़ी रहो। कैसी हैं आप? अरे नजर नहीं आ रहा कैसी हूँ? हैं? देखने में तो भली चंगी लग रही है। अरे क्या सिबली करवाई थी मुझसे? जैसे पूछ रही कैसी हो? हैं? अम्मा 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 हौसला रखें, हौसला। तू चुप कर, अपनी बेगम की तरफ डाली मत कर। हैं? दादी अम्मी आपके लिए पानी लेकर आऊं ठंडा। हैं? घर के दामाद काम करेंगे तो औरतें क्या करेंगी? जा भाई पानी लेकर आ। अरे ऐसे क्या घूर रही हो? अरे जा पानी लेकर आ। और सुन, पानी में कुछ फूटी हो मत, मेरा तो पानी भी खत्म हो गया। दादी मैं आपकी बोतल में ही पानी भर के रख दूं, यही रखा रहेगा आपके पास? कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पानी नहीं है क्या? हद हो गई है, ऐसे चिल्ला रही है जैसे इनका घर है। गुर्रा रही है बैठी हुई, तो भाई सारे घर पे कब्जा कर रखा है। हद कर दी इस बुढ़िया ने। क्या बात है बेगम, आज कुछ मूड ऑफ है? अरे जिंदगी में इतनी बातें मैंने पहले कभी नहीं सुनी, हद हो गई।
कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेगम के जो पहली दफा होती हैं। मैंने देखा इसीलिए आपसे इजाजत ले ली थी। देखे अरे तो मुझे क्या पता था है? कि वो आता ही बमबारी शुरू कर देंगी। दो दिन की तो बात है, मैं बर्दाश्त कर ले प्लीज। मुझे तो ये दो घंटे बर्दाश्त होती नजर नहीं आ रही है। बेगम देखें मेरी इज्जत की बात है बेगम। इज्जत की है? कहाँ है आपकी इज्जत? भाई मैंने तो कभी नहीं देखी बेगम। वो आपके बोझ तले दब गई, पिचक गई, बर्बाद हो गई। गुलाम को गुलाम जी अम्मा ना अम्मा बुला रही आ रहा हूँ अम्मा आ रहा हूँ अम्मा बुला रही आ रहा हूँ अम्मा आ रहा हूँ चोट वोट ना लग जाए आपको। अरे बेटा बूढ़ी हुई हूँ, माजूर नहीं। अम्मा अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप। अम्मा मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ, बड़ी मजेदार है। रनवा हो गया या बेहिस? क्यों अम्मा? तू चाय बनाने जा रहा है? बेगम मर गई है या गैरत? अम्मा वो तानी असल में कमरा साफ कर रही है ना, तो मैं चाय ले आता हूँ आपके लिए, ऐसी क्या बात है। वैसे भी अम्मा दौर ऐसा है कि सब मिलजुल के काम करें तो बड़ा अच्छा है। कभी मेरी खिदमत में तो तूने ऐसी बातें नहीं की, तू तो हिल के पानी भी नहीं पीता था, अब यहाँ जोरू का गुलाम बन के बैठा हुआ है। नाम ही गुलाम रखा है आपने मेरा। चाय ले जा दो, चाय ले जा दो। लो भला बताओ ये क्या बात हुई? और मैंने इसका नाम गुलाम रख के ना सबसे बड़ी गलती की, ये तो वाकई जोरू का गुलाम बन के बैठ गया। दादी आप अपने पांव ऊपर करके बैठे ना, मैं आपके पांव दबा देता हूँ। दबा दे। तेरा नाम क्या है? दादी मेरा नाम है लड्डू। डड्डू? ये कैसा मेंढकों वाला नाम रख दिया? नहीं नहीं दादी डड्डू नहीं, मेरा नाम है लड्डू, वो जो मिठाई में होते। भैया तू मुझसे दूरी रहे, मुझे शुगर है। सलाम दादी। अरे जीती रहो, तमीज तहजीब से जुड़ी रहो। मुझे पता होता ना तो दुपट्टे का इतना बड़ा ठान लिया थी। लड्डू मुझे भूख लगी है, जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, जाओ। ये क्या हो रहा है ये? अरे मत खाना बनाएगा, और तेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है। नहीं अब मेरा मतलब है कि रोज तो घर में ऐसा ही होता है। हनी हनी पापा जी बुला रहे हैं तुमको, उन्हें बहुत जरूरी बात करनी। मगर मुझे भूख लगी, भूख खाना मेरे से समझ में। दादी आप आराम से पांव ऊपर करके बैठे ना, मैं आपके पांव बाद में दबा दूंगा। बाद में? अरे दबा तो जाता हूँ। तुम्हारी दादी है ना, ये जरा पुराने ख्यालात की है। हाँ तो होंगे, मैं क्या करूँ। नहीं मेरा मतलब ये कि इनको नहीं मालूम है कि हम यहाँ किस तरह रहते हैं और क्या क्या काम करते हैं हम। क्या बाबा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, भाई मुझे सही से समझाइए। हनी दरअसल बात ये कि ससुर जी ने दादी जी से झूठ बोला। कैसा झूठ? ये कि मैं और उनके दामाद कारोबार संभालते हैं और तुम और मम्मी हुजूर घर गृहस्थी संभालते हो। पापा इतना बड़ा झूठ, वो भी ये झूठ कि आपको तो माफी कभी मिलेगी नहीं। नहीं नहीं माफी ना मिले, चाहे माफी ना मिले लेकिन थोड़ी सी इज्जत मिल जाए बस। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए कि मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो तुम्हारी दादी दो दिन के लिए आई है, बस तुम्हें करना ये है कि तुम्हें और तानी बेगम को दो दिन के लिए मशरकी औरत बन के रहना है। दो दिन? दो साल नहीं कहा मैंने, दो दिन। और तुम अपने पापा जी के लिए इतना भी नहीं कर सकती यानी? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी भाई। कोशिश नहीं यकीनन करना है, यकीनन यार। अच्छा ठीक है ना? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। अरे गुलाम आया अम्मा, आया अम्मा। खाने की खुशबू नहीं आ रही, दोपहर में खाना नहीं बनेगा क्या? असल में अम्मा आप आइए ना तो इस खुशी में आज खाना बाहर से मंगवाएंगे हम। बाहर से तो मैयतों के खाने आते, खुशी में घरों में कढ़ाइयाँ पकवान बनते, अजीब हिसाब है भैया का। अम्मा आपका क्या खाने का दिल चाह रहा है आप मुझे बताएं, बहुत अच्छी जगह से मंगवा दूंगी। अरे ये सब काम चोरी के बहाने हैं। क्या मतलब अम्मा? अरे मतलब कौन काम करे, कौन बोर्ची खाने में जाए पकाए, इससे अच्छा बाहर से ही मंगवा लो,
सब समझ में आते हैं मुझे। हाँ अरे नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। अरे बीबी हमें ना सिखाओ, हमें सब समझ में आता है। चुपचाप जाओ बोर्ची खाने में, मरो। अम्मा छोड़े ना, इन छोटी छोटी बातों में क्यों लग रही है। यही वजह है आजकल की बीवियां शौहरों पे हुक्मरानी करती हैं। अम्मा छोड़े, चले आप अंदर, चले अंदर, चले आप अंदर, छोड़ इसको, अंदर चलिए तो बच्चा। ये देखो शौहरों को कैसा नौकर बनाया हुआ है। अरे नहीं नहीं दादी जी, वो तो मैं अपनी मर्जी से ही। तू कर गुरु का गुलाम। गुलाम तो मैं हूँ अम्मा, मुझे सब दिख रहा है। कौन किसका गुलाम है जानता हूँ। अम्मा चलो 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 चलो, आ जाओ, चल रही हूँ, चल रही हूँ। ये लंबी लंबी गलियाँ बनाई हुई हैं जाने के लिए। अम्मा चलो गलिए कहाँ अम्मा, चलो अम्मा चलो 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 आ जाओ आ जाओ अम्मा आ जाओ। बस भाई लड्डू, मुझसे अपना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। और मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता, मतलब आज तक कभी किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं और ये दादी बार बार मुझे टोके जा रही है। लड्डू तुम कुछ करो ना। मैं क्या करूं मम्मी जी। लड्डू तुम ना सब कुछ कर सकते हो, मुझे नहीं पता, बस तुम कुछ करो, कुछ ऐसी तरकीब करो कि ये मेरी सास जो है ना यहाँ से चली जाए। देख देख लड्डू, इस तार को मैं काटूंगा ना तो अम्मी जान के कमरे में अंधेरा हो जाएगा, फिर वो गर्मी और अंधेरे से तंग आकर कल ही 9-2-11 हो जाएंगी। आइडिया क्या 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 बता बता। हाँ सही सही, मगर ये तुम्हारा ये आइडिया काम करेगा ना। अरे मम्मी जी 100% काम करेगा, आजमाया हुआ है। आजमाया हुआ है कुछ नहीं, मतलब ये कि कुछ नहीं। आप लोग चले, मैं जरा प्लास्टर करा दूँ। चलो जल्दी आओ, जल्दी जल्दी चलो चलो चलो। ए गुलाम, ए गुलाम, ए कहाँ रह गया। देखूं तो कहीं बेगम के पल्लू से बना तो नहीं बैठा हुआ। ये तीनों कहाँ जा रहे हैं? अकड़ बकड़ बम्बे वो सी नबे पूरा सो यही वाली होगी दादी के कमरे की, यही काट देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है ये नहीं लगी मुझे, वो काली वाली लगी, वो काटो वो काटो। अकड़ बकड़ बम्बे ये नहीं ये नहीं वो वाली काट ही देता हूँ मैं जो भी है। क्या हो रहा है ये? अरे तुम लोगों से पूछ रही हूँ क्या हो रहा है। हाँ नहीं तुम बताओ। मैं लड्डू, तुम बताओ, तुम बताओ। दादी बिजली का बिल बहुत आ रहा है ना, तो हमने सोचा कनेक्शन नहीं काट देते, ना होगा ना इस्तेमाल होगा ना बिल आएगा। हाँ माँ लड्डू बिल्कुल ठीक कह रहा है, यही बात है बिल्कुल। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या, अपने आप को काबू में करने के बजाय बिजली का तार काट रहे हो। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, चलो अंदर। हाँ हाँ चलो चलो अंदर, चलो अंदर, चलो चलो। मम्मा चले, आने दे आज गुलाम को। चलो ना लड्डू चलो, सारी शिकायतें लगाऊंगी, इतनी फजूल खर्ची करते हो तुम लोग। नहीं दादी नहीं, पापा को कुछ मत बताइएगा प्लीज। चुप कर जा, पापा को मत बताइएगा प्लीज की बच्ची। अरे घरों के मर्दों से कभी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। वहाँ टीवी देखो कैसे भर 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 चल रहा था, अरे बिल नहीं आएगा तो और क्या होगा। दादी वो तो मैं देख रहा था, तो बाहर आते हुए बंद नहीं कर सकता था। अरे छोड़े ना अम्मा, आप अंदर चले। हाँ नसीहत क्या करती, बहाने शुरू। दादी मुझे इस बात का अंदाजा है, वापस छोड़े और अंदर चले। तेरे कमरे का भी पंखा चल रहा था। अरे दादी अब छोड़े भी ना, जाने दे। अरे चुप कर, छोड़े ना, तुम लोग कमाओ ना तो फिर पता चले बाप तुम लोग का इतनी मेहनत करता है, तुम लोग को जरा भी एहसास नहीं। जी क्या कह रही हैं आप, अरे क्या ऊंचा सुनती है। दादी जी आप गुस्सा ना करें, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊँ, ठंडा पानी। अरे मुझे क्या गाड़ी का इंजन समझ रखा है, हर वक्त बोलता पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ। नहीं नहीं दादी जी, मैंने तो आपको गुस्सा ठंडा करने के लिए कहा था, ठंडा पानी लेकर आऊँ। फिर वही हरकत, घर की औरतें खड़ी है, मर चला है पानी पिलाने। ए बहु चल जाके पानी लेकर आ। मैं पानी लाऊं? नहीं मैं, चल जल्दी से
हनी तू रुक, तू कहाँ चला? चलें दादी, मैं आपको अंदर ले चलूं। चल रही हूँ मैं, अभी इतनी मैं बूढ़ी नहीं हुई। हाँ नहीं तो सच बता, अम्मा क्या बता रही थी बिजली का? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं कह रहा हूँ सच सच बता। वो मेरे कमरे का पंखा खराब हो गया था ना, वो देखने गए थे। सब सबको लेकर? हाँ, कभी उन्होंने बिजली का बोर्ड देखा नहीं ना, तो उन्हें बड़ा शौक था बिजली का बोर्ड देखने, इसलिए सबको लेके गया था। अबे ये बिजली का बोर्ड है या सेंसर बोर्ड है, सब देखने गए। अब वो घर की मालकिन है, उन्हें कौन रोक सकता है? आप रोक सकते हैं, मैं रोक सकता हूँ, कोई भी नहीं रोक सकता। उन्हें तो कोई रोक ही नहीं सकता। सच कह रहा है ना? ससुर जी आपकी कसम। मेरी कसम नहीं खा, मेरी कसम मत, वापस ले, वापस ले। मैंने मान लिया, वापस ले। वापस ले ली, वापस ले ली। दादी जी का बैग चेक तो करूं, क्या माल छुपा के रखा है। इससे पता चलता है कि ये ससुर जी की सगी अम्मा है। एक रुपया नहीं है, मिला भी तो क्या शनाख्ती कार्ड, वो भी पुराना पुराना। लड्डू ये क्या कर रहे हो तुम? और ये तो अम्मा का बैग है। मम्मी जी मुझे दादी को भगाने का आइडिया मिल गया। हाय सच? सच में? हाँ। क्या? ऐसे थोड़ी दीवारों के भी कान होते। इधर आ। दादी का चक्कर। इतनी जल्दी ये काम हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, थोड़े पैसे लगेंगे। कितने बताओ ना? कुछ नहीं, 20,000। 20,000? 20,000? लड्डू थोड़े से कम नहीं हो सकते? हाँ 15,000 में भी कर दूंगा। चलो ठीक है, मैं देती हूँ तुम्हें 15,000, मगर ये काम आज के आज ही होना चाहिए। अरे मम्मी जी आज के आज हो जाएगा, बस आप मुझे 15,000 रुपए दे दे। बस ठीक है, मैं अभी लाई, अभी लाई मैं। हाँ? रुका गुलाम, ये तू हर वक्त क्या तैयार बैठी रहती है, जैसे किसी शादी में जा रही है या आ रही है? अरे ऐसे तैयार तो हम शादी में जाने के लिए हुआ करते थे। तुम्हारी काम चोर, काम की नकार की दुश्मन अनाज की। ससुर जी, मम्मी जी, हनी, अजब हो गया। क्या हो गया? नादरा की तरफ से नोटिस आया है। कैसा नोटिस? कौन सा नोटिस लड्डू? वो तमाम लोग जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है या जिनके शनाख्ती कार्ड की म्याद मुकम्मल हो गई है, वो कल सुबह तक अपने नए कार्ड बनवा लें, वरना उनकी टीमें कल से घर घर छापे मारेंगी। घर घर छापे? इसकी सजा क्या होगी? उसकी सजा दहशतगर्दी की दफा लगा देंगे और भारी जुर्माना। अरे तो फिक्र करने की क्या बात है भाई, हमारे किसी का भी कार्ड कोई एक्सपायर्ड नहीं है, पिछले साल तो बनवाया हमने। अरे गुलाम, मगर मेरा तो कोई नया कार्ड नहीं बना। क्या कह रही हो अम्मा? मैं सच कह रही हूँ, इस उम्र में शनाख्ती कार्ड बनवाने की क्या जरूरत है? तो इस उम्र में कोई पाकिस्तानी नहीं रहता क्या? लेकिन ससुर जी, अगर दादी जी को उम्र क्या हो भी जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, चंद हफ्तों की तो कहानी है, वैसे भी इनकी उम्र कितनी बची है। दादी लग रही है, ला मुझे दिखा। गाड़ी इंग्लिश में है ससुर जी। इंग्लिश में तो है ना यार, पर ठीक होगा ना भाई, पकड़ ले। मैं तो फौरन जा रही हूँ। लेकिन टिकट बदलने में पैसे कटेंगे ना? अरे गुलाब, आपको पैसों की पड़ी हुई है, अम्मा बस आप तो जाने की तैयारी करें, नुकसान सारा मैं देख लूंगी। हाय, खुश रहे, जी जी रहे। बेटा मुझे ना जल्दी से स्टेशन छोड़िया। हाँ चल चल चल। अरे नहीं अम्मा, आप ट्रेन में क्यों जाएंगी, मैं तो अपनी अम्मा को जहाज में भेजूंगी, जहाज में। बस आप जाने की तैयारी करें, जल्दी से अपना सामान समेट लें। सबके जाऊँ वाली जाऊँ, अरे तुझे खुश रखे मेरी बच्ची। बस मैं जल्दी से तैयारी कर रही हूँ। चल चल अम्मा, मैं ले चल। ये दे दे मुझे। हाँ मैंने मेरे पास, ले चलो। मैं अच्छा अच्छा ठीक है मम्मा, चलो चलो। हाँ गुलाम, बैठ गई अम्मा जहाज में। चलो भाई ये बहुत अच्छा हो गया, बस अब तुम जल्दी से घर पहुंचो, बहुत काम पड़ा हुआ है भाई। अम्मा गई, चली गई। अरे वाह लड्डू, तुमने क्या काम किया इस बार। मैं मान गई तुम्हें, बस
मम्मी जी मेरे काम ना ऐसे पक्के होते हैं, आपको पता है मैंने वो नोटिस पूरे इलाके में फैला दिया था ताकि कहीं से भी पता किया जाए बात की तस्दीक हो जाए। वैसे तो पूरा मोहल्ला ही परेशान हो गया होगा। अच्छा किया। वैसे ना लड्डू तुम हो बहुत शरारती। वो तो है। चल भाई चल थारे चल। देख सब मैंने क्या किए। अबे सरकारी इदारे का नाम लेकर जाली खबरें बना के लोगों को परेशान करता है। ओ वो वो तो मैं मजाक कर रहा था। बेटा जरा थाने चलना, दोनों बैठ के वहाँ मजाक करेंगे। फिर देख सब मेरी बात तो सुन ले। चुप करो। ये बता तेरे साथ और कौन कौन मुलव्वस है इस जुर्म में? मेरे साथ ये दोनों। या अल्लाह रहम, कहाँ चली गई दोनों की दोनों? भाग गई मम्मी। चल है थाने। मम्मी जी सुसर जी। मेरा दिल कह रहा है आज कोई बुराई आने वाली है। बेटा मेरा ब्रो साइकिल से सीधा मोटरसाइकिल, शलवार कमीज से सीधा पैंट शर्ट। बहुत टाइट पैसा है, अपने पास पार्टियां भी बहुत हैं। मामूल से टकता हूँ और पेट भर जाता है। जी जी नजर आ रहा है। जिसने तेरी शादी की है वो मैं हूँ और मैंने ही तेरा यहाँ एडमिशन कराया है। तुम्हारे डसे में मुतासरी यहाँ पर आ जाते हैं। सूरज और मुश्तरी मेरी किस्मत के सितारे में घुसने वाले हैं, तो अब क्या होगा? अरे रहने दीजिए, जिसने घुसना था वो घुस गया, अब क्या खाक को घुसेगा? जमीन अंत खूबसूरत डील मंजूर। चलो तुम अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। स्टॉप स्टॉप डील इंटरनेट एंड टोक इंटरनेट एंड रकबुल बकवास याना ब्लैंक से काट। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद। सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद।